हाय दोस्तों, बासंती का किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं मसूर दाल की कचड़ी बना रही हूँ। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और हेल्दी होता है। इसके लिए हमने 250 ग्राम मसूर दाल को पानी में 4 घंटा फुला के इस तरह कर लिया है। ये फुला हुआ मसूर दाल है। दो मीडियम साइज के प्याज को हमने इस तरह से छोटे छोटे पतला पतला काट लिया है। 1 इंच अदरक को इस तरह से काट लिया है। 4 हरी मिर्च को छोटा छोटा काट लिया है। 1/2 चाय चम्मच गरम मसाला लिया है। 1 चाय चम्मच नमक लिया है। 1/2 चाय चम्मच हल्दी लिया है। 1/2 चाय चम्मच जीरा लिया है। 1/2 चाय चम्मच अजवाइन लिया है। 1/2 चाय चम्मच कलौंजी लिया है। 1/2 चाय चम्मच हींग लिया है। एक बाउल में तेल लिया है, रिफाइन या सरसों जो तेल ले, और थोड़ा सा पानी। अब हम फूले मसूर की दाल को जार में डालकर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब इसमें नमक डाल देंगे। बहुत थोड़ा पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी डालने से ये गीला हो जाएगा, फिर कचड़ी बनने में दिक्कत होगी। ये हमने पीसकर इसका पेस्ट बना लिया है। ये बहुत ज़्यादा महीन नहीं है, थोड़ा मोटा पेस्ट है। कचड़ी के लिए हमें मोटा पेस्ट ही चाहिए। अब हम इसमें ये सारे मसाले को डाल देंगे। प्याज डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, गरम मसाला डाल देंगे और हल्दी पाउडर डाल देंगे। सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये कचड़ी आप शाम को नाश्ते में चाय के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा, सभी को पसंद आएगी। देखिए इसका बैटर इस तरह था। अब हम गैस को जलाएंगे। इस पे कढ़ाई को रखेंगे। अब इसमें तेल डाल देंगे। गैस को मीडियम पर फ्लेम पर ही रखना है। तेल गरम हो चुका है। बैटर को हम हाथ से फिर अच्छी तरह से मिला लेंगे और छोटा छोटा करके तेल में डालेंगे इस तरह से।
एक बार में ज़्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा दूर दूर में ही डालेंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक पकने देंगे। 3 से 4 मिनट हो गया, अब हम इसे पलट देंगे। इसे लाल होने तक पकने देंगे, जब तक ये अच्छी तरह से लाल ना हो जाए। पलट कर इसे 2 मिनट तक पकने देंगे। आप इसे चाय के साथ ज़रूर शाम के नाश्ते में खाइए और हमें बतलाइए कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। दो मिनट हो चुका, अब फिर हम इसे 1 मिनट के लिए पलट के पकाएंगे, जिससे यह अच्छी तरह से लाल हो जाए। ये अच्छी तरह से लाल हो चुका है, अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे। ये हमारी मसूर दाल की कचड़ी बनके तैयार है। इसे आप टमाटो सॉस, हरी मिर्च या चटनी के साथ खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।